पंजाब की नौजवान पीढ़ी नशे की दलदल में दिन प्रतिदिन धसती ही जा रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए संदीप गोयल ने जिला बरनाला के गांव हरिगढ़ में गांववासियों के साथ गुरु घर के प्रांगण में विशेष बैठक की, जिसमें बड़ी गिनती में गांववासियों सहित किसान नेता व पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में गाँव के लोगों ने SSP संदीप गोयल के साथ खुलकर अपने दुख दर्द व परेशानियों को साझा किया। SSP संदीप गोयल ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि जब पड़ोसी का बेटा नशे में घर आता है तो पड़ोसी सोचता है कि हमें क्या लेना, पड़ोसी का बेटा नशा कर रहा है, उसका बेटा थोड़े ही है। लेकिन आज पड़ोसी का बेटा नशे के दलदल में डूब रहा है तो वह दिन दूर नहीं जब ये नशे की आग उनके घर तक आ जाएगी, इसलिए वे किसी भी तरह इस आग को फैलने से रोकना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब आप लोग पुलिस का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पंजाब के नौजवानों को शेर गबरू कहा जाता था, परंतु नशा आज पंजाब की जवानी को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। इस बैठक में SP PBI जगविंदर सिंह चीमा, इंस्पेक्टर जसविंदर कौर, CIA स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, ASI परमिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल रितु शर्मा, हेड कांस्टेबल लखवीर कौर और हेड कांस्टेबल अंजीत कौर के अलावा अन्य पुलिसकर्मी व बड़ी गिनती में गांववासी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए अरिहंत गर्ग की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहा ब्लाक प्रधान बरनाला बलौर छन्ना, जो नशियां दे खिलाफ भारतीय किसान यूनियन तो लंबे समय तो लड़ रही है, एक पासे बार्डरां ते लड़ रही है, ये जिहड़ा कोई उद्यम हो रहा है पिंड दे विच बहुत वधिया गल है। सारे नूं कमेटी बना के कोई चिट्टा बेचता, हीरोइन बेचता, पिंड दे विच डट के कहना चाहिए वी आ बेचता, कोई डर नहीं, SSP साहब नूं जदों मर्जी मिलो। ये वधिया गल कीती है, बहुत उद्यम होया कोविड दे विच भी, SSP साहब ने बड़ा मदद कीती है, क्योंकि यह भयानक बीमारी सी, तीजी लहर भी आ रही है, उदों भी आपां बचा रखना है ते नशियां दे खिलाफ भी लड़ना है। ते हरिगढ़ दे विच जिन्नियां साडे मौजूदा सरपंच साहब, साबका सरपंच साहब, किसान जथेबंदी जां मोतवार होर बंदे जिहड़े इकट्ठे होए ने, असीं उहनां दा धन्नवाद करदे हां, ते साडे अफसर साहिबानां दा असीं तहि दिलों धन्नवाद करदे जिन्हां ने आ के लोकां नाल गल सांझी कीती है। सो मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा संगतो कि दुनिया ते कोई एडू वड्डा पुन्न नहीं, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋਂ ਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ +2 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਂਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਦੂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ।